तो दोस्तों, फ्लटर के आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे फ्लटर के अंदर लिस्ट व्यू बिल्डर के बारे में कि ये क्या होता है और इसको किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो अपने एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो, लिस्ट व्यू बिल्डर जो है उसके अंदर आप लोग किसी लिस्ट को अपने यूआई के ऊपर रेंडर कर सकते हो। लाइक अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है और उस डेटा को अगर आपको अपने यूआई के ऊपर डिस्प्ले करवाना हो तो लिस्ट व्यू बिल्डर के थ्रू आप लोग इसको बहुत ही इजीली कर सकते हो। और इस वीडियो के अंदर हम इसको पूरा का पूरा स्टेप देखेंगे कि किस तरीके से इस चीज़ को हम कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर सिंपल सा एक मटेरियल ऐप है और यहाँ पर सिंपल एक ऐप बार है जिसके टाइटल के ऊपर यूज़र लिस्ट लिखा हुआ है लाइक दिस। तो इसके अंदर हम लोग एक लिस्ट व्यू बिल्डर क्रिएट करेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने रियल लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, लिस्ट टाइप का लिस्ट ऑफ डेटा क्रिएट करते हैं लाइक डेटा इक्वल टू, और इसके अंदर एक लिस्ट के अंदर हम एक डेटा क्रिएट करते हैं लाइक एक नेम दे देते हैं यहाँ पे यूज़र के, सौरव कॉमा राहुल कॉमा अमित उसके बाद कॉमा और किसका नाम दे दे सुमित। सो ये कुछ नेम है जो कि मैं चाहता हूँ कि वो हमारे यहाँ पर ये कॉन्स्टेंट रहना पड़ेगा क्योंकि ये अब कॉन्स्टेंट नहीं रहा। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि इस डेटा को मैं चाहता हूँ कि मेरे यूआई के ऊपर डिस्प्ले हो और कैसे हो, एक लिस्ट फॉर्मेट के ऊपर हो। तो उसके लिए मैं अगर एक एक करके बनाने बैठा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि कुछ अच्छा ना बने। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बॉडी के अंदर हम लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ कर सकते हैं। अब लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आप यहाँ पे लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर आपके पास एक आइटम बिल्डर होता है जिसके अंदर आप लोग एक कॉन्टेक्स्ट और एक इंडेक्स पास करते हो और उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हो। सो ठीक है, अब इसके अंदर सिंपली आपको रिटर्न क्या करना है आप देखो। अब रिटर्न के अंदर आपको करना पड़ेगा लिस्ट टाइल। अब हालांकि अगर आप चाहो तो इस केस में रिटर्न में आप कोई एक कंटेनर भी रिटर्न कर सकते हो या फिर कुछ भी आप ऐसा कोई विजेट रिटर्न कर सकते हो अपना, लेकिन लिस्ट स्टाइल आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये मिलता है एक लिस्ट क्रिएट करने के लिए, तो हम इसी का यूज़ करेंगे क्योंकि इसके अंदर इनबिल्ट कुछ फीचर्स आप मिल जाते हैं आपको जिनका कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मुझे अभी यहाँ पे एक टाइटल लेना है तो लिस्ट स्टाइल के टाइटल के अंदर मैं सिंपली इसका टेक्स्ट लूँगा और इस टेक्स्ट के अंदर मैं सिंपली हमारा जो डेटा है उसके अंदर से इस इंडेक्स को ले लूँगा। अब देखो ये इंडेक्स जो है वो आपको बस समझ आ रहा होगा कि इंडेक्स जो है जितनी बार चलेगा उसके अंदर इसके एक इंडेक्स मिलेगी। जैसे कि ये एक बार चला तो एक दो तीन इस तरीके से हमें इंडेक्स मिलती रहेगी और इस डेटा से हम उस इंडेक्स के बेस के ऊपर डेटा को निकालेंगे। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी तक हमने इसको बताया नहीं है कि ये जो है हमारा लिस्ट कितनी बार चलना चाहिए, मतलब ये एक लूप रन करेगा और उस लूप के बेसिस पे ये जो है आइटम को डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने इसको बताया नहीं है कि इसको कितना देर तक इस लूप को चलाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पर एक आइटम काउंट करके आपको एक पैरामीटर पास करना होगा जिसके अंदर आप लोग अपने आइटम का लेंथ बता सकते हो। जैसे कि हमारे केस में है डेटा और उसका लेंथ, तो डेटा डॉट लेंथ हम पास कर सकते हैं जिससे कि इसको पता चल जाएगा कि इसको कितनी बार इसको रन करना है। अगर आप ये चीज़ नहीं दोगे तो ये अनलिमिटेड टाइम चलता रहेगा और आपका एप्लीकेशन क्रैश हो सकता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है लाइन बाई लाइन से इस सभी के नेम ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। तो कितनी सिंपल तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। और लिस्ट स्टाइल की बात करें तो इसके अंदर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको कि आप लोग यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपको इसकी लीडिंग में कुछ लगाना है या फिर कुछ पहले चाहते हो कि आप यहाँ पे चाहते हो कि इससे पहले कुछ आई के ना आए या फिर कुछ टेक्स्ट आए या फिर इसका प्रोफाइल पिक्चर आए, तो उस केस में आप लीडिंग के अंदर वो चीज़ सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक इमेज लगा सकते हो या फिर कुछ भी जो भी आपको पसंद है। जैसे आइकन मैं यहाँ पर एक लगा के दिखाता हूँ आपको, icons dot अगर पर्सन मिल जाए, ओके पर्सन मिल गया तो मैं पर्सन को यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हो कि एक यूज़र का आइकन है, उसके बाद उसका नेम है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है ये चीज़। और अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पे कुछ और भी सेटअप कर सकते हो, लाइक अगर लास्ट में आपको चाहिए तो आप टेलिंग के ऊपर सेट कर सकते हो। लाइक मैं अगर यहाँ पर भी एक आइकन सेट कर दूँ लाइक आइकन्स डॉट एरो फॉरवर्ड, मुझे कुछ ऐसा आइकन अगर मिल जाए, आई थिंक मिल जाएगा, ये रहा। सो अब देखो यहाँ पे जो है कुछ इस टाइप का आइकन, अगर आप चाहो तो उसका साइज़ भी छोटा कर सकते हो। लाइक साइज़ को मैं कर देता हूँ 18 का, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो या फिर अगर आप अभी चाह रहे हो कि इसके ऊपर क्लिक पे मुझे किसी दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करना है
तो उसके लिए आप लोग सिंपली यहाँ पे जो लिस्ट स्टाइल है इसके अंदर आपको ऑन टैप की भी फंक्शनलिटी मिल जाती है, जिससे कि आप इसको कुछ भी यहाँ पे ऑन टैप के ऊपर कुछ भी परफॉर्म कर सकते हो। इसके मैं प्रिंट कर देता हूँ डेटा के अंदर जो इंडेक्स अभी क्लिक हुआ है उसको मैं अगर कंसोल में प्रिंट करूँ। सो अभी आप देखो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो नीचे आप देख सकते हो कि जिसके ऊपर भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो हमारे कंसोल के ऊपर प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ कर सकते हो। अभी अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊँ, मैं अगर यहाँ पे आ जाऊँ और अगर मैं यहाँ पर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लूँ, अगर मैं फिर फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर एक फ्लोटिंग एक्शन बटन ले लूँ, फ्लोटिंग एक्शन बटन के अंदर ऑन प्रेस के ऊपर मैं अभी खाली छोड़ता हूँ और इसकी चाइल्ड के अंदर, अरे यार, इसकी चाइल्ड में एक आइकन पास करते हैं। आइकन्स डॉट एड, सो ठीक है। तो इसके अंदर आप ही आपको एक ऐड के आइकन मिला। मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर एक रेंडमली कुछ भी एंट्री हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि जो कि मेरा सेट स्टेट कर सकता हूँ यहाँ पर, सेट स्टेट यहाँ पे मैं कर सकता हूँ सेट, ओके सेट स्टेट हमें नहीं मिल रहा है, आई थिंक ये एक स्टेटलेस विजेट, हमें सबसे पहले इसको स्टेटलेस से स्टेट फुल इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टेट फुल के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अभी मैं जैसे इसके ऊपर, जैसे कि मैं अभी सेट स्टेट का यूज़ कर सकता हूँ, तो सेट स्टेट के अंदर मैं क्या करूँगा कि इसको मैं कर दूँगा यहाँ पे जो हमारा डेटा है उसके अंदर डॉट ऐड कर दूँगा न्यू डेटा इस तरीके से, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर से कुछ भी डायनेमिकली भी रेंडर कर सकते हो, API का कॉल करके भी आप उसको सेटअप कर सकते हो। अब जैसे मैं अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यू डेटा हमारा इस तरीके से ऐड होते होते आ रहा है और वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो रहा है हमारे UI के ऊपर। अगर आप देखो जैसे मैं इसको ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो लिस्ट व्यू बिल्डर है इसकी फंक्शनैलिटी यही है कि यहाँ पर आपको बाई डिफ़ॉल्ट एक स्क्रॉल व्यू भी मिलता है जिसको कि आप लोग स्क्रॉलेबल बना सकते हो। तो इस तरीके से ये स्क्रॉल भी होगा ऑटोमेटिकली अगर ये डिस्प्ले से बाहर जाए, तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं इसका, आई होप कि सबको वीडियो समझ आया होगा और इसके अंदर आप लोग समझ गए होंगे कि लिस्ट व्यू बिल्डर का क्या यूज़ है। तो आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।